देखिए अगर हम गाय के गोबर की बात करें तो मेरी मम्मी तो एकादशी के व्रत पे हमेशा गाय का गोबर लेती थी। ये देखिए एक चम्मच गोबर, अगर हम एक चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है, और ये अगर एक बार एक तरह से हमारे घर में चला गया तो पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है एक चम्मच गोबर। ये क्या बात करता है यार, रुको जरा सबर करो। ये गोबर को चवनप्राश समझ के खाने वाले लोग हैं, ये गोबर को हलवा बनाकर खाएं, इनका हलवा इनको मुबारक हो, उनमें और भी घी डालें, शक्कर डालें, ड्राई फ्रूट डालें, मावा डालें, खूब खाएं, खूब फले फूलें, रोटी खाना छोड़ दें, खूब फले फूलें, रोटी खाना छोड़ दें। तो दोस्तों एक और नया वीडियो लेकर आ गया हूँ अंधभक्तों पर। दोस्तों ये अंधभक्त कह रहा है गाय का गोबर खाने से तन मन पवित्र हो जाता है और कोई बीमारी नहीं होती है, तो इस पर हमारे हिंदू भाई ने इसको ऐसा जवाब दिया है आज के बाद जो कभी गोबर नहीं खाएगा। तो क्या जवाब दिया है आइए वीडियो में देखते हैं, वीडियो में काफी मजा आने वाला है तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जानवर के बच्चे जब गोबर देते तो जानवर को खाना चाहिए ना, ये तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं। अगर गोबर में ही सब कुछ होता तो हमारे जो इतने साधु संत हुए, जो देश में इतने जो आबादी है, वो अन्न क्यों खाती है, वो फल क्यों खाती है, वो ड्राई फ्रूट क्यों खाती है, सब गोबर ही खा लेता, ड्राई फ्रूट से ज्यादा महंगा गोबर मिलता। बात तो सही है। जो गोबर है उससे कोहिनूर का हीरा भी निकलता है, ये भी एक चैनल पे दिखाया गया था बकाया। बिल्कुल, वो गोबर पात्रा ने बोला था अगर अंग्रेजों को पता होता कि गोबर में कोहिनूर है तो कोहिनूर नहीं ले जाता, गाय को ही ले जाता, समझिए गोबर को ले जाता, वहाँ कोहिनूर निकालता रहता, ढूंढता रहता। यही नहीं, अभी और सुनिए, गाय के बच्चे को, भैंस के बच्चे को ये पता है कि माँ का दूध पीने से विकास होगा, और ये लोग तो जानवर से भी गए गुजरे हैं, इनको ये पता है कि गोबर खाने से, तो जो जानवर का बच्चा है वो गोबर क्यों नहीं खा लेता। अगर गोबर में ही सब कुछ था तो जैसे गाय का गोबर वैसे आदमी का गोबर, तो ये डॉक्टर को आदमी का गोबर खा लेना चाहिए, लेटरिन खा लेनी चाहिए। सवाल ये है ना पंकज जी कि पहले जो चाहे डॉक्टर संबित पात्रा हो, चाहे बाकी के जो बीजेपी प्रवक्ता या नेता हो, उन्होंने सिर्फ बोला था कि ये करने से गोबर, गाय का गोबर खाने से आप स्वस्थ हो जाएंगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी, कोरोना भाग जाएगा, लेकिन ये वाले जो डॉक्टर है मनोज मित्तल जी, इन्होंने बकायदा खा के दिखाया है, तो ये थोड़ा लेवल ज्यादा बढ़ा दिया इन्होंने। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, इनको भी राज्यसभा में जाना होगा, इनको भी पद्म सम्मान लेना होगा, इनको भी वाई प्लस सुरक्षा लेनी होगी, इनको भी किसी बोर्ड में मेंबर बनना होगा। यही तो हो रहा है देश में, देश में हो क्या रहा है, जो जितना लुच्चा है उतना ऊंचा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सोशल मीडिया पे भी जो उन्होंने ज्ञान दिया है कि रोज एक चम्मच खाइए, उनकी माता श्री भी एकादशी के दिन जब व्रत करती थी तो एक चम्मच खाती थी, उससे वो स्वस्थ रही हमेशा, तो उन्होंने ये एडवाइस दी है। और सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि उनके इस वीडियो के नीचे लोग भी दो धड़ों में बट गए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका समर्थन कर रहे हैं, वाहवाही भी कर रहे हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। किसी भी धार्मिक शास्त्रों में कहीं गोबर खाना नहीं लिखा हुआ है, अगर एकादशी के कथा का किताब अगर उलट के देखेंगे तो वहाँ निराहार की बात की गई है, वहाँ फलहार की बात की गई है, वहाँ गोबर खाने की तो बात ही नहीं की गई है, तो धर्म का ज्ञान इन लोगों को है नहीं। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं